भारत की हार पर खुशी से नाचने वालों की भीड़ का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान सिंपली हार को 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हार के सदमे से कुछ लोग अब तक नहीं उबर पाए हैं। भारत की हार को बार बार याद दिला रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो, लेकिन जिस वीडियो की बात हम कर रहे हैं वैसा भारत में होने की कल्पना आप कर भी नहीं सकते। दावा यह कि मुंबई की एक मस्जिद में जब पाकिस्तान जीता तो भीड़ खुशी से नाचने लगी थी। क्या है हार पर जश्न मनाती भीड़ का सच, आइए ढूंढते हैं। सामने प्रोजेक्टर पर जो मैच दिख रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, वो मैच जो देश के लिए किसी जंग से कम नहीं था, वो मैच जिसमें पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। और अगर आपको याद हो तो ये मैच का वो सीन है जब पाकिस्तान अपनी जीत की पताका लहरा रहा था और भारतीय खिलाड़ी मैदान से पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन प्रोजेक्टर पर जो दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला नजारा इस हॉल का है। दावा है कि ये वीडियो मुंबई के मीरा रोड का है, जहां मस्जिद में मौजूद ये लोग भारत की हार का जश्न मनाते दिख रहे हैं। कुर्ता पैजामा पहने टोपी लगाए ये लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते दिखते हैं। हार पर जश्न मनाने वालों की ये तस्वीर उस भारत की तस्वीर से बिल्कुल अलग है जहां लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला, अरे हम तो कहीं के नहीं रहे। भारत की हार से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के चेहरे पर दिख रही ये खुशी भारत की उस तस्वीर से बिल्कुल अलग है जहाँ कोई टीवी फोड़ रहा था तो कोई आंसू बहा रहा था। सोशल मीडिया पर एक भारत की दो अलग अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं। दावा है कि जब पूरा देश फाइनल में भारत की हार से दुखी था तब मुंबई की मस्जिद में भीड़ भारत की हार पर खुशी से झूम उठी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वीडियो वाकई भारत का ही है? क्या वाकई जब देश गम में था तब मुंबई की मस्जिद में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जा रहा था? ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला था। इस वीडियो को हिंदू बनाम मुस्लिम का चोला चढ़ाकर पेश किया जा रहा था, इसलिए इसकी पड़ताल करना बेहद जरूरी था। हमने इस वायरल वीडियो का सच जानने के लिए तहकीकात शुरू की। हमारी टीम मुंबई के मीरा रोड इलाके के लिए रवाना हुई। मुंबई के मीरा रोड इलाके में कई मस्जिद हैं। हम मीरा रोड की अलग अलग मस्जिदों में पहुंचे। हम मस्जिद के लोगों को ये वीडियो दिखाकर पूछ रहे थे, क्या ये वीडियो मीरा रोड की किसी मस्जिद का है? हम इस वक्त मीरा रोड के इलाके में जो भी मस्जिद मौजूद है वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको मैंने अभी एक वीडियो दिखाया, क्या वो वीडियो आपको लगता है कि वो मीरा रोड की किसी मस्जिद का है या फिर इस तरह से मस्जिद में वीडियो क्रिकेट मैच दिखाया जा सकता है? नहीं, ऐसा मैंने वीडियो देखा उसके अंदर ऐसा लगता है कि मस्जिद का तो नहीं है, या तो कोई किसी ने ऐसा बना लिया होगा। और मस्जिद में ऐसा वीडियो या कभी ऐसा क्रिकेट मैच नहीं दिखा सकता है, क्योंकि ये कारखाना है, इलाही है, अल्लाह का घर है, इसके अंदर सिर्फ इबादत की जाती है। शकीर बता रहे हैं कि मस्जिद में वो टीवी देख ही नहीं सकते, ऐसा किसी मस्जिद में नहीं हो सकता, तो फिर ये वीडियो कहाँ का है? हम मीरा रोड की सबसे बड़ी जामा मस्जिद पहुँचे और वहाँ भी वीडियो की पड़ताल की। ये जो वीडियो आपको मैंने अभी दिखाया इसकी क्या फैलाया जा रहा है, ये वायरल हो रहा है वीडियो की, ये मीरा रोड की किसी मस्जिद का वीडियो, क्या आपको लगता है कि मीरा रोड का नहीं है? मीरा रोड में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है। और ये जो वीडियो दिख रहा है मुझे, ये बोरी समाज का है, उनकी टोपी से लग रहा है। मस्जिद के अंदर हमारे कम्युनिटी में मस्जिद के अंदर टीवी अलाउ ही नहीं है, शरीयत के हिसाब से मस्जिद में हम टीवी लगा नहीं सकते। तो मीरा रोड की कई मस्जिदों में हमने पड़ताल की इस वायरल वीडियो की, जिसको मीरा रोड की मस्जिद का बताया जा रहा था, लेकिन
कहीं भी इसकी हकीकत सामने नहीं आई। मुंबई से जब हमें वायरल वीडियो से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली तो हमने वीडियो से ही सुराग ढूंढना शुरू किया। वीडियो में दिख रहे लोग, दीवार पर लिखे शब्द, इन सब से जब हमें कोई सुराग नहीं मिला तो हमने पूरा ध्यान प्रोजेक्टर पर चल रहे मैच पर लगा दिया। हमने कई बार वायरल वीडियो चला के देखा। काफी देर देखने के बाद हमारी नजर प्रोजेक्टर के दाएं कोने पर दिख रहे लोगों पर पड़ी। यह हमारे लिए पहला और अहम सुराग था। भारत में स्टार स्पोर्ट्स मैच का प्रसारण करता है, लेकिन ये लोगो स्टार स्पोर्ट्स का नहीं लग रहा था, जिसका मतलब ये था कि ये वीडियो भारत का नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं था जो ये बता पाए कि वायरल वीडियो भारत का नहीं है तो कहाँ का है। अपनी पड़ताल जारी रखी। अगर ये पता चल जाता कि ये किस चैनल का लोगो है तो ये वीडियो किस देश का है ये पता लगाना आसान हो जाता। लोगो के नीचे सफेद रंग से स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, यानी ये कोई स्पोर्ट्स चैनल है, लेकिन कौन सा है और कहाँ का है ये सवाल बना हुआ था। काफी छानबीन के बाद भी जब हमें लोगों के बारे में पता नहीं चला तो हमने सोचा क्यों ना उन चैनल्स की लिस्ट निकाली जाए जिनके पास चैंपियंस ट्रॉफी के मैच प्रसारण करने की इजाजत थी। ICC की आधिकारिक वेबसाइट पर ढूंढने से हमें उन चैनल के नाम मिल गए जिनके नाम के आखिर में स्पोर्ट्स था और जो चैंपियंस ट्रॉफी में मैच प्रसारित कर रहे थे। इस लिस्ट में दिख रहे एक एक चैनल के नाम का लोगो हम देखने लगे। स्काई स्पोर्ट्स, फॉक्स स्पोर्ट्स और कई नाम थे। इन सब के बीच हमें पाकिस्तान में मैच प्रसारण करने वाले दो चैनलों के नाम भी मिलेंगे। ये देखिए, PTV स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स। इन दोनों चैनल के लोगों से भी हमने वायरल वीडियो में दिख रहे चैनल के लोगों को मिलाया और हमें जवाब मिल गया। ये देखिए, ये पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल PTV का लोगो है। वायरल वीडियो में जो लोगो दिख रहा है वो इससे काफी मिलता जुलता है। वायरल वीडियो में जो लोगो दिख रहा था वो लाल और पीले रंग का था। PTV के लोगो का रंग भी वही है। ध्यान से देखिए, लोगो का डिजाइन भी वही है, जिससे ये साफ है कि वायरल वीडियो पाकिस्तान का है। जब वीडियो पाकिस्तान का है तो वहाँ के लोगों का पाकिस्तान की जीत पर खुश होना और नाचना लाजमी है। लोगों के चेहरे पर दिख रही खुशी पाकिस्तान की जीत की खुशी है। तो वहाँ के लोगों का पाकिस्तान की जीत पर खुश होना भी लाजमी है और नाचना भी। लोगों के चेहरे पर दिख रही खुशी पाकिस्तान की जीत की है। ये हंसी, ये नाच, ये हो हल्ला उनके मुल्क के फाइनल जीतने का है, भारत के मैच हारने का नहीं। वायरल वीडियो पाकिस्तान का है, मुंबई का नहीं। लेकिन कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में भारत की हार पर हिंदुस्तान में खुशी से नाचने वाला वायरल वीडियो झूठा साबित हुआ।